हेलो स्टूडेंट, कक्षा 5 हिंदी। तो स्टूडेंट, हमारा पार्ट 16 जो था पहेलियाँ, तो वो हमने समझा। तो अब हम पेपर पैटर्न वाइज जो हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, इसी तरह ही इनकी भी एक्सरसाइज है। तो वो हम प्रश्न 1 और 2 वो अभी देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। तो विभाग अ होता है हमारा एमसीक्यू। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को पसंद कीजिए, यानी उसका हमने इंग्लिश में हम कहते हैं एमसीक्यू। तो उसमें नंबर 1 है 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। उत्तर क्या है इस पंक्ति का? आंसर है अ, पगड़ी। 2 नंबर, पहाड़ है पर खाली जगह नहीं, नदी है पर जल नहीं। आंसर है उनका पत्थर। 3, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो खाली जगह रहूं, पड़ी। क्या रहूं? पड़ी। 4, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में खाली जगह है। रस क्या है? रस है मेरा। 5 नंबर, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में खाली जगह उठाता, शीश। 6, छोड़ दे धागा तो करे खाली जगह, सलाम। 7 नंबर, पैर अपने पैर कहाँ दिखाता है, छिपाता है? जमीन में। आंसर है जमीन में। 8 नंबर, कागज का घोड़ा और धागे की लगाम, उत्तर है उसका पतंग। आपको अभी मैंने 8वां कहा, उसका पूरा उत्तर यहाँ हो रहा है, किसके लिए कहा गया है। तो उनका उत्तर होगा पतंग, पूरा सेंटेंस पीछे की साइड है इसीलिए। नंबर 9, मानचित्र का समानार्थी शब्द होता है नक्शा। मानचित्र यानी नक्शा, जो आप इंग्लिश में बोलते हो मैप। 10 नंबर, खाली जगह है पर जीव नहीं, जंगल है पर पत्थर, जंगल है पर खाली जगह नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है नहीं, खाली जगह नहीं। उत्तर है पेड़। शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, पेड़ आएगा उसका उत्तर क्या आएगा? पेड़। फिर है प्रश्न 1 ब, जो है सही जोड़ मिलाओ। तो उसमें 1 है कमरा, उनका होगा कक्ष। 2 आसमान, उनके सामने आएगा आकाश। 3 नंबर शीश, उनके सामने आएगा सिर। 4 नंबर मध्य यानी बीच। 5 नंबर पहाड़, उसके सामने आएगा पर्वत। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे प्रश्न 1 क। प्रश्न 1 क है खाली जगह भरिए। उसमें नंबर 1, धरती में मैं पेड़ छिपाता, आसमान में खाली जगह उठाता, शीश। 2 नंबर, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाली जगह के ऊपर मेरा स्थान, सिर। 3 नंबर, छोड़ दे धागा तो करे खाली जगह, सलाम। तो स्टूडेंट, प्रश्न 1 अ ब और क वह आपको पूर्ण करना है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। थैंक यू।